In this video, I am going to tell you about 5 ways to solve Windows thumbnail not showing problem, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कैफ फ्रॉम टेक गाइड। फर्स्ट, चेंज थंबनेल व्यू ऑप्शन। आपको बस यहाँ पर विंडोज प्लस आर की को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये को यहाँ पर टाइप करना है, सिस्टम प्रॉपर्टीज एडवांस, इसे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है। पहले तो एडवांस क्लिक करना है, ऑप्शंस में और सेटिंग में जाना है। और यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि ये ऑप्शन शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन यहाँ पर क्लिक है कि नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो ठीक है, आपको ये मेक श्योर करना है ये टिक होना चाहिए, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ, जो कि है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। तो यहाँ पर भी सेम आपको क्लिक करना है विंडोज प्लस आर और रन का ऑप्शन पे। यहाँ पर इस बार आपको डालना है कंट्रोल फोल्डर्स और फिर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में। तो व्यू पे क्लिक करना। व्यू पे क्लिक करने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप ऑलवेज शो आइकन्स नेवर थंबनेल्स को अनचेक कर दें। अगर आपके में चेक है तो इसे अनचेक कर दें और ओके। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे तरीके की तरफ, जो कि है चेंज थंबनेल व्यू फ्रॉम रजिस्ट्री। तो ये भी बहुत ईजी है, इसके लिए आपको विंडोज प्लस आर की प्रेस करना है। तो देखिए रन की विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर सीएमडी पहले से लिखा के आ रहा है। आपको इसमें एलिवेटेड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये कुछ कोड है जो कि यहाँ पर डालना है और एंटर करना है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे चौथे तरीके की तरफ, जो कि है रीबिल्ड थंबनेल एंड आइकन। तो इसके लिए आपको सिंपली फिर से कंट्रोल प्लस आर क्लिक करना है, जिससे कि ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपको सीएमडी टाइप करके फिर से ओके पे प्रेस करना है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको कुछ बस कोड डालने हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये चार अलग अलग कोड जो कि रेड में अंडरलाइन है, उसे एक एक करके इसमें डालना है। जैसे कि ये पहला कोड, फिर ये सक्सेस होगा, फिर दूसरा कोड, फिर ये कुछ रन होगा, फिर तीसरा और चौथा। इनको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे पांचवे और आखिरी तरीके की तरफ, जो कि है रिपेयर सिस्टम फाइल। इसमें फिर से आपको विंडोज प्लस आर क्लिक करना है, लेकिन इस बार आपको एलिवेटेड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, जिसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। तो इस बार देखिए एडमिनिस्ट्रेटर में ये ओपन हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो कमांड हमको रन करना है। ये जो कि दिया हुआ है रेड बॉर्डर के अंदर, फिर ये होगा, इसका कुछ प्रोसेस होगा, फिर सेकेंड में ये। तो ये दो चीज़ें आपको फिर से करनी, इसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मेरे बताए गए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि इनमें से कौन से तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।